हमें भी ज्वाइन किया है मीडिया कोऑर्डिनेटर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में फारूक भट्ट साहब ने, जो कि रेस्क्यू 1122 में ही होते हैं. आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई. वालेकुम. बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का. आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए हो. फारूक भाई, अगर हम बात करें फायर फाइटिंग की या हम जान बचाने की बात करें, जहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो, दुनिया भर में देखा जाए तो उनकी पे पैकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में उस तरह नहीं है. तो आपको लगता है कि ये वो पैशन है जिसके अंदर पैसा डजंट मैटर, इट्स द जुनून दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? एग्जैक्टली ऐसा ही है. आप किसी की जान की कोई कीमत तो लगा भी नहीं सकते. तो जब कोई फायर फाइटर किसी जलती हुई इमारत में, जबकि उस घर के मकीन उस इमारत को अबंडेंट छोड़ के बाहर भाग चुके होते हैं, बाहर निकल आए चुके होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो जब एक फायर फाइटर, एक यंग आदमी माइट बी उस वक्त, तो उसकी अपनी, उसकी भी तो फैमिली होती है, उसकी भी जान होती है, तो वो अपनी जान अपने माल की परवाह किए बगैर उस आग में उस घर को बचाने के लिए जाता है, तो मैं नहीं समझता कि वो किसी सैलरी ने उसको बैकअप किया होता है या वो किसी पैसे के लिए अंदर जा रहा होता है. आप किसी फायर फाइटर के काम का या किसी रेस्क्यूअर के काम का कोई कीमत नहीं लगा सकते. मेरा नहीं ख्याल, ये एक जज्बा और एक जुनून है जिससे हम अपने आप को खुद नहीं रोक सकते. किसी की मदद करने के लिए हम परवाह नहीं करते कि हमने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या हम किस जगह पे रहें या हमारी उससे जान का खतरा हो सकता है. उस वक्त तो बस हम रब से बहुत नज़दीक हो चुके होते हैं और हमें किसी चीज़ का खौफ महसूस नहीं हो रहा होता. बहुत खूब, बहुत प्यारी बात. अगर हम बात करें, जान जोखों का काम है अपने आप को तकलीफ़ में डालकर दूसरों को तकलीफ़ से निकालना, ये एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुनून है जिससे अब सब लोग भरे हुए हैं माशाल्लाह. मुझे ये बताइए कि ऐसे बहुत से भाई हैं जो शहीद हुए, आपको लगता है बहैसियत कौम हमने उन हीरोज़ को याद रखा या हम भूल जाते हैं? देखें, जो शहदा है ना, वो तो हमारा असासा है. मैं तो ये नहीं समझता कि जो शहीद हो गए, शायद कोई उनके दर्जात रुक गए, वो तो सबकत ले गए, वो तो हमसे आगे चले गए. और बेशक हम भी उसी रो में हैं और हम भी रब से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें भी इससे पहले कि मौत आए हमें शहादत नसीब हो जाए. और इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या होगी कि मैं अपने वतन अजीज़ के लिए अपना सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूँ और मेरा नाम हमेशा के लिए रकम हो जाए और बरोज़े क़यामत मुझे भी उन्हीं शहदा में उठाया जाए जिन्होंने इसी वतन अजीज़ की खिदमत के लिए लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान पेश कर दी. मेरे ख्याल से उनका रुतबा हमसे बहुत बढ़कर है. हमारे 414 गखड़ प्लाजा में रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स जिन्होंने अवाम की जानो माल के तहफ़ के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की और एक तारीख रकम कर दी, तो उस वक़्त से एक सेंस ऑफ सेफ्टी हमारे रावलपिंडी के लोगों में आया. उन्होंने फील किया कि ये बच्चे वाकई ट्रेंड हैं और लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ कि फायर फाइटर्स का काम कितना मुश्किल है. मेरी मीडिया और आवाम से एक रिक्वेस्ट भी है कि जब किसी जगह आग लग जाए और रेस्क्यू 1122 की टीम वहाँ पहुँचे तो थोड़ा उनसे तावन करें. वो अपना काम बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उनको गाइड ना करें बल्कि उनसे गाइडेंस लें, उस वक्त उनकी मदद करें, उनके लिए रास्ता खोलें. गाड़ियाँ लोगों की पार्किंग बाहर हुई होती है, हमारा फायर ट्रक नहीं पहुंच पा रहा होता इंसिडेंट साइट तक, जस्ट उनकी मदद करें. हमारे फायर फाइटर्स भी यंग हैं और उनके साथ उनकी फैमिलीज़ भी है, वो अपनी फैमिलीज़ की परवाह किए बगैर आपके घर को बचाने के लिए उसी आग में कूद रहे होते हैं जिस आग की तपिश से आप बाहर निकल आए होते हैं. तो जस्ट उनसे थोड़ा कॉपरेट करें ताकि ये बच्चे आपकी जानो माल की तहफ़ कर सकें. जस्ट हमें आपका कॉपरेट चाहिए, बाकी हम भी बींग पाकिस्तानी आप ही लोगों के बच्चे हैं, आप ही लोगों, हम रेस्क्यू 1122 आपका अदारा है, इससे तावन करें ताकि हम आपके शाना बशाना आपकी खिदमत कर सकें. हम सब आपको सलाम पेश करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस. अल्लाह आपको जजाए खैर दे. बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भाई. ये है वो पैशन, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, अपनी फैमिलीज़ की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर ये लोग हमें तकलीफ़ से निकालते हैं. क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि इनके इस काम को, इस पैशन को थोड़ा सा आसान कर दें, तावन के साथ, मुआवनत के साथ? हम मिलेंगे कुछ और हीरो से जिनका ताल्लुक रेस्क्यू 1122 से है. हमारे साथ रहेगा.